हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल होममेड रेसिपी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे भरवा भिंडी। तो ये आप लंच में भी बना सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 300 ग्राम मीडियम साइज़ की भिंडी ली है। आप छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं, बट बड़े साइज़ में ना लें। तो इसे वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लें, सुखा लें आप इसे, चाहे तो किसी कपड़े से सुखा लें या फिर सुखा लें आप इसे पंखे की हवा में। और इसके हेड और टेल को कट कर लें। अगर नाइफ़ पर आपको ज़्यादा चिपचिप लग रहा है तो फिर आप थोड़ा सा लेमन इस पर रब कर लें। इसकी वजह से जो नींबू में एसिड रहता है उससे ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होगी और आसानी से कट हो जाएगी। तो यहाँ हेड और टेल को कट कर लेना है। उसके बाद हम इसे बीच से कट करेंगे और सिर्फ हमें एक ही साइड से इसे कट करना है और दूसरे साइड से इसे जुड़े रहने देना है, बिकॉज़ हमें इसमें मसाला स्टफिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने सभी पहले से ही कट करके रख ली थी। तो एक बॉल में अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून सौंफ पाउडर। आप सौंफ को दरदरा करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेनल पाउडर ही ऐड कर रही हूँ। और ऐड कर दिया हमने 2 टीस्पून आमचूर पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ ऐड किया है हींग। और इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम यहाँ सॉल्ट। तो मसाले आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम धनिया पाउडर ज़्यादा ही ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ ऐड किया है धनिया पाउडर। 1/3 टीस्पून यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। और इसी के साथ हमें चाहिए अचार का ऑयल। यहाँ आम का अचार है मेरे पास, तो मैं उसमें से 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। यह ऑप्शनल है, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करके वेरिएशन दे सकते हैं। तो यहाँ ये स्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं हाथ से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें ऑयल है तो इसे अच्छी तरह से कंबाइन होना ज़रूरी है इन सभी चीज़ों में। तो यहाँ पर अब हम कट की हुई भिंडी में इसे स्टफ़ कर देंगे। तो हमें इसमें जो एक्सेस है उसे बाहर कर देना है, तरह से हल्का सा प्रेस करके और इसे बाहर कर देंगे बाकी का मसाला, जिससे कि हमारी सारी भिंडी में ये मसाला बिल्कुल सही तरह से भर जाए। नहीं तो हमें और मसाला बनाना पड़ जाएगा और ये कम पड़ जाएगा अगर ज़्यादा हमने इसमें भर दिया है। तो बस इसी तरह से हमें सब में ही फिल करना है इस मसाले को और एक्सेस मसाले को निकाल देना है। तो सभी मैंने इसी तरह से स्टफिंग कर ली है सभी भिंडी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसमें ऐड कर दिया है मैंने 100 ग्राम ऑयल। और उसमें हम ऐड कर देंगे भिंडियाँ। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। और फिर इसे थोड़ा सा सेट कर देंगे हम ऑयल में, जिससे कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर से भी पक जाएंगी, कच्ची नहीं रहेंगी। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसके साइड्स को चेंज कर देंगे, जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। भिंडी में जो हमने मसाला स्टफ़ किया है वो बाहर आकर भिंडी के ऊपर भी अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा इसे बहुत हल्के हाथ से मिक्स करने की, जिससे ज़्यादा मसाला बाहर ना आए। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से खुला करके ही फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी। मैं कोई यहाँ पर गुनगुना पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। पानी हम यहाँ पर ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने मसाला ऐड किया है इसमें वो कच्चा था, तो इसलिए इसमें से कच्चापन निकल जाए इसलिए हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। और इसे कवर करके हम 1 से 2 मिनट और कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर मसाले में से अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे मैं थोड़ा सा और मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि मसालों की कोटिंग भिंडी पर अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉटे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी भरवा भिंडी को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है हमारी भरवा भिंडी, स्टफ्ड भिंडी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।